ओम शांति। 30 अगस्त की शिरोदान वस्तु का स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भवा। परमात्मा रहम दिन है और हम आत्माएं भी मास्टर रहम दिन है। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना। खुशी का दान कैसे दे सकते हैं? जब हम अन्य मनुष्यों को उनके आत्मिक स्वरूप का याद दिलाएं, उनके सच्चे स्वरूप का याद दिलाएं, उनके अमर स्वरूप का याद दिलाएं और अमर परमपिता परमात्मा से शिव बाबा से उनको जोड़ें। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। उसके लिए जैसे परमात्मा रहम दिल हैं, हम भी वैसे ही रहम दिल बन करके उनको परमात्मा से जोड़ें। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं। जड़ चित्र कहना का अर्थ क्या है? जो देवी देवताओं के चित्र हैं, परमात्मा कहते हैं वो हमारे जड़ चित्र हैं, हमारी यादगार हैं, वह वरदान दे रहे हैं। तो आप भी चैतन्य में, लिविंग फॉर्म में रहम दिल बन बांटते जाओ। अन्य आत्माओं को खुशी, सुख, आनंद, संतुष्टता में कैसे रहना है उसका राज बांटते जाओ, जो हमें परमात्मा सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी में। क्योंकि परवश आत्माएँ हैं, किसके वश में है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में है, जिस कारण से वो खुद ही दुखी होते हैं उनके वश में होकर के कर्म करने से। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाला ही नहीं है। हम करते हैं ना कभी कभी अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचते हैं कि नहीं नहीं इसको बताने का फ़ायदा नहीं है, है ये ऐसा ही है, ये इन चीज़ों का मजाक उड़ाएगा, ये फ़ायदा उठाएगा हमारी बातों का, इनको बताने का फ़ायदा नहीं है। डोंट जज, पर मैं तो कह रहे हैं आप रहम दिल बन देते जाओ। जिनको लेना है लेंगे, इनको नहीं लेना है मजाक उड़ाना है, हंसी मजाक करना चाहता है, सीरियस नहीं चाहता है, उनका अगर समय नहीं है तो वो नहीं लेंगे इसको सीरियसली। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। क्या है इंपॉर्टेंट? शुभ भावना। वो लेना ले अलग बात है। ओम शांति।